आदाब नाजरीन, MTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हार्डवेयर एसोसिएशंस की जानिब से आज एक अच्छी पहल दक्कन स्टेशनरी हार्डवेयर 7 टर्म्स रोड टोली चौकी और दीगर हार्डवेयर स्टेशनरी दुकानात और सारे टोली चौकी गैलेक्सी और 7 टर्म्स एरिए के सभी कारोबारियों ने यह सोचकर 8 दिन तक बंद रखने का फैसला किया, ताकि जो COVID-19 के हालात दिन ब दिन तेलंगाना में बढ़ते जा रहे हैं और इन सभी हार्डवेयर एसोसिएशंस वालों का कहना है कि जान है तो जहान है, उनके कारोबार से वही किसी मजदूर और आम आदमी को इन बीमारियों से बचने के लिए अपने कारोबार मुकम्मल तरक्की से और अपनी खुदी से बंद कर रहे हैं और दूसरों की तरह हम सुबह से शाम 5 बजे बंद कर देते, ये कोई मतलब नहीं है। बंद का उन लोगों को चाहिए कि जो हार्डवेयर एसोसिएशंस की जानिब से अच्छी पहल की दूसरी भी इन जैसे बंद का फैसला अमल करे। स्टे होम स्टे सेफ इंट्रेक्स न्यूज़ की जानिब से आवाम से गुजारिश है कि चाहे कोई बंद करे या ना करे, वो अपने अपने घरों में महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, प्लाईवुड, मार्बल, POP, एवरीथिंग जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है सब आएगा इसमें इंशाल्लाह। कितने दिन के लिए रख रहे हैं? अभी तो हम लोग 28 से 5 तक सोचे हैं इंशाल्लाह। अगर केसेस कम हो गए तो इंशाल्लाह खोल देंगे, नहीं हुए तो सोचेंगे और बढ़ाने का। और जो भी है, जैसा कि टोली चौकी का कल एक वीडियो आया था जो 5 बजे तक बंद करने का बोले थे, वो लोग भी ठीक है, लेकिन अब हम तो 5 बजे तक ऐसा नहीं रहेगा, टोटली शट डाउन रहेगा ये। कल से, कल सुबह से नेक्स्ट संडे तक पूरा शट डाउन रहेगा। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, सेल्फ लॉकडाउन है ये। अब इसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत जो शॉप्स वगैरह है, जैसे कि हाफ शटर खोल के देना करना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं रहेगा। टोली चौकी भी ये चीज को परमिशन देना, नहीं सब लोग एग्री है, कोई खोलेगा नहीं, कोई गोडाउन नहीं ओपन करेगा, कोई दुकान खोल के आधा शटर खोल के नहीं देगा, कोई 5 मिनट के लिए नहीं, टोटल शट डाउन है। हम लोग भी घर में रहेंगे। और रही बात हम लोग के पास जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उन लोगों की सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उन लोगों को सैलरी पूरी देंगे। जितने दिन हम बंद रखेंगे उतने दिन की सब देंगे सैलरी। और वो लोग से भी हम बोले कि घर में ही रहने के लिए, कहीं कोई रिश्तेदार के पास नहीं जाने के लिए बोले। और पब्लिक से क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं भाई, अब लोग खरीद रहे बस ग्रोसरी, किराना, पब्लिक से फार्मेसी, ये सारे चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर में रहे और सेफ रहे अपनी फैमिली के साथ। कोई घर बनाना जरूरी नहीं है, घर का सामान आप बोले, जैसे आपके लेबर्स को आप बोले हैं, आपके वर्कर्स को जी, कि घर में रहिए, बिल्कुल सेहतमंद रहिए, बाहर मत जाइए, बिल्कुल बिल्कुल कोई चीज के लिए। इसी तरह पब्लिक को कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पब्लिक भी जरूरी नहीं है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम कराना, अभी वक्त की नजाकत के हिसाब से काम करिए। सबसे यही कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है घर अभी बनाना, आप सेहतमंद रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह 4 घर बनाने की तौफीक दे आपको। कौन से एरिया में बंद कर रहे हैं आप? अब ये हम लोग 7 टोम्स और टोली चौकी पूरा हम लोग पूरा बंद करने के है, सबके स्टैंप्स और सिग्नेचर्स भी है मेरे पास। सेल्फ लॉकडाउन है, सब राजी है इस पर, सबके सिग्नेचर्स और स्टैंप्स भी है मेरे पास। इंशाल्लाह कोई नहीं खोलेंगे दुकान 8 दिन तक, अगर केसेस कम हो जाएंगे तो हम लोग ज़रूर खोलेंगे। और 8 दिन के बाद शायद बड़ा तो बढ़ाएंगे इसको, एक्सटेंड करेंगे शटडाउन को, नहीं तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह सहायता दे सबको। स्टे होम, स्टे सेफ।